आए। जमाल का जो मर्डर था वो पॉलिटिकल मर्डर था। बिल्कुल था, पॉलिटिकल ही मर्डर था, दूसरा कोई मर्डर नहीं था, पॉलिटिकल ही मर्डर था। आपको क्या लगता है, आरिफ जमाल क्रिमिनल थे, किसी का जमीन हथियाए थे? मेरे लगने से थोड़ा ना कुछ होता है। नहीं नहीं, आप हमसे बोल रहे हैं या आप, आपका आप अगर समाज नहीं जागा तो पूरा सिवान एक दिन कब्रस्तान और शमशान बन जाएगा। अच्छा एक और सवाल, आरिफ जमाल के मर्डर के बाद क्या MIM पार्टी और मजबूत होगी सिवान में या पूरे सारण में? MIM पार्टी सिवान और सारण की धरती पे क्रांति का प्रतीक बनेगी, क्योंकि इनकलाब जब पैदा होता है तो खून से होता है। महलों के AC से कभी इनकलाब नहीं निकला है, इनकलाब निकला है तो खून से। और दुनिया का कोई भी इनकलाब अपने समर्थकों का खून मांगता है, और वो शुरुआत सिवान से हो चुका है। तो खाली मैंने मीडिया में बयानबाजी ये होगा कि आपके पार्टी के आते अख्तर उल ईमान साहब पहले लोगों को पार्टी सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं, तो आप लोग कब आप रोड पे उतरे? अख्तर उल ईमान साहब हमारे घर पे तो नहीं आए कि चलो भाई पार्टी ज्वाइन कर लो, या जितने भी लोग आज पार्टी ज्वाइन किए अख्तर उल ईमान साहब किसी के पास तो गए नहीं कि आओ भाई हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। वो जज्बा पैदा हुआ कि लोगों ने MIM का दामन थामा। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो एवरीवन, क्या आप अपने किचन का इंटीरियर करवाना चाहते हैं और अपने घर का फर्नीचर बनवा रहे हैं? आज ही डीलरशिप के लिए कॉल करें 9454300052। हमारा पता है वुड पैनल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर UP। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। लगातार जो MIM पार्टी है बिहार में अपना परचम लहरा रहा है, फिलहाल अभी सारण में भी, जो आपका गोपालगंज के बाद लगातार अब सीमान में भी लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी के सदस्य बन रहे हैं, अलग अलग पोस्ट भी मिल रहा है। आप सबको पता है बिहार के MIM के अख्तर उल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष अभी सीमान आए थे, बहुत सारे लोगों को सदस्यता अभियान भी कराया और बहुत सारे लोगों को पोस्ट भी मिला है। अभी हमारे साथ फरहान भाई हैं, पहले भीम आर्मी में थे, जिला उपाध्यक्ष थे, अभी MIM में जिला महासचिव बने हैं। सबसे पहले अलग अंदाज टीम की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और अलग अंदाज के जितने भी फॉलोवर्स हैं और दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान भाई, एक तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे चैनल पे यह पहला आपका इंटरव्यू है, तो थोड़ा सा बेसिक आप बता दें, आपका गाँव कहाँ है, वालिद साहब का नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि आप कहाँ से हैं। मेरा गाँव हसनपुरा नगर पंचायत के अधीन एक गांव आता है करमासी, हाँ। वहीं करमासी का रहने वाला हूं मैं, और मेरे वालिद साहब लेट मोहम्मद सोहेल हुए और मेरा नाम मोहम्मद फरहान हुआ। अच्छा फरहान भाई, भीम आर्मी में थे, दलित महादलित अल्पसंख्यक जी की बात करती है वो भी जी, MIM की भी बात की जाए तो दलित महादलित अल्पसंख्यक पिछड़ा की ही बात करती है, दोनों पार्टी का विचारधारा भी सेम है जी। तो भीम आर्मी छोड़ के MIM क्यों? देखिए भीम आर्मी छोड़ के अभी आपने जैसे कहा, मेरा मानना यह है कि पार्टी और पार्टी के नाम कोई मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है विचारधारा, आइडियोलॉजी। तो जो आइडियोलॉजी भीम आर्मी में थी मेरी, वही सेम आइडियोलॉजी MIM में भी है। जो भीम आर्मी SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करती थी, इधर MIM भी SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करती है। तो आइडियोलॉजी सेम है, जो पैटर्न पे हम लोग पहले काम करते थे। आज जो लोग, ऐसा नहीं है कि हम MIM में आ गए हैं तो वो लोग हमसे अलग हो गए हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं, बस कैटेगरी अलग है, टीम अलग है। तो पहले ही MIM आप सेलेक्ट कर लिए होते हैं? पहले MIM सेलेक्ट किया, मैं MIM का शुक्रगुजार हूँ कि MIM ने मुझे इस काबिल समझा और वो उन्होंने दावत दिया, हमने लब्बैक करके उनकी दावत को एक्सेप्ट किया। लेकिन जो हमारे साथी हैं भीम आर्मी में, वो कल भी हमारे साथ थे और आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि वो हमारे ही साथ दिखेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजी उनकी सेम और इधर भी हमारी सेम। वो भाजपा में या किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे, वो उसी के साथ जाएंगे जिस आदमी पर उसका विश्वास है, और हम लोग माइंडसेट सेम है भीम आर्मी के लोगों का,
और इसलिए वो आने वाले दिन में वो हमारे ही साथ आएंगे। हमारा विकल्प कोई दूसरा नहीं है, वो है, और उनका विकल्प कोई दूसरा नहीं है, हम हैं। तो आप लोग मतलब आज जो प्रोग्राम था, कितने लोग पार्टी का मेंबर बने? देखिए, पार्टी के मेंबर बनने का आज ये प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम था ताजियत का। शहीद आरिफ जमाल के ताजियत में प्रदेश अध्यक्ष को आना था, आ गए, लेकिन ये एक मैसेज देना था कि जिस धरती पे MIM के नाम से सीने में गोली उतार दी जाती है, उसी गाजियों की धरती, योद्धाओं की धरती से MIM का लोग दामन भी आज थामे हैं, और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, लगभग 10 दिन हुआ, और आने वाले दिन में गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। MIM के राजनीतिक जब राजनीतिक जब प्रोग्राम होगा तो गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा हम लोग जनसभा करेंगे और इतना ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे कि एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा सिवान की धरती से। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जमाल का जो मर्डर था वो पॉलिटिकल मर्डर था? बिल्कुल था, पॉलिटिकल ही मर्डर था, दूसरा कोई मर्डर नहीं था, पॉलिटिकल ही मर्डर था। आपको क्या लगता है, आरिफ जमाल क्रिमिनल थे? किसी का जमीन हथियाए थे? मेरे लगने से थोड़ा ना कुछ होता है। नहीं नहीं, आप हमसे बोल रहे हैं या आपका आपको क्या लगता है, मतलब कि हम सिवान नहीं पूरे भारत की जनता से पूछ रहे हैं, आरिफ जमाल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? या आरिफ जमाल गैंगस्टर थे? या आरिफ जमाल माफिया थे? अब फिर भी उनका मर्डर हो जाता है, तो इसको पॉलिटिकल मर्डर नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, हक और इंसाफ की बात करते थे, और उनका मर्डर हो जाता है उनके बेटा के सामने, तो ये पॉलिटिकली मर्डर हुआ ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है, या किसी भी इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? मर्डर अगर किसी क्रिमिनल का हो तो माना जाएगा कि हाँ चलो ये क्रिमिनल था, इसके विरोधियों ने या इसके दुश्मनों ने मार दिया। माफिया होता तो चलो ये भी माना जाता है कि मार दिया। वो आदमी ना क्रिमिनल था, ना माफिया था, ना गैंगस्टर था, ना किसी का ज़मीन हथियाता था, ना पाकिटमारी करता था, ना छिनतई करता था, उसका मर्डर हो जा रहा है तो पॉलिटिकली मर्डर बोलिएगा ना। इस तरह से जो यूथ यंग है, इस तरह से मर्डर हो जा रहा है सोशल आदमी का, मतलब एक्टिव तो थे वो, बिल्कुल, मतलब CANRC में भी वो एक्टिव थे, बिल्कुल, और ऐसे भी हम देखते ही थे, कहीं ना कहीं वो दिख ही जाते थे सामाजिक कार्यों में। तो ये जिस तरीके से ये मर्डर हो रहा है ऐसे लोगों का, सिवान के लिए, या आप भी यूथ हैं, यंग हैं, पॉलिटिक्स MIM में आप भी जुड़े हैं जी, तो क्या आप लोगों को भी डर सता रहा है इस तरह का कुछ, मतलब? नहीं नहीं, डर तो सिर्फ उससे होना चाहिए जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात है, अल्लाह है, जिसको खुद मौत आ जानी है किसी न किसी दिन, उससे क्या डरना है? वो नहीं कह रहा, मतलब ये चिंता का विषय है सिवान के लिए? हाँ, चिंता का विषय तो है, और सिवान के लोगों पर भी ये सवाल होता है कि मर्डर पे मर्डर हो रहा है, और अब पता नहीं आप किस गफलत की नींद सोए हुए हैं कि अभी तक आप जाग नहीं रहे हैं। तो जब सोना ही है आपको तो जाके कब्रे में सोइए, वहाँ पे आपको कोई जगाने वाला नहीं आएगा, हमेशा हमेशा के लिए आप सोइएगा टांग पसार के। और एक दिन यही होगा कि जब आप जागिएगा नहीं अपने भाइयों के मर्डर पे, अपने भाइयों के कत्ल पे, तो वो कातिल की हिम्मत बढ़ेगी और एक दिन आपको भी आके कत्ल कर देगा। तो जब सोना ही है तो जाके कब्रे में सो जाइए भैया, आपको कोई वहाँ जगाने वाला ना आएगा, आराम से सोइएगा। अब वो एक दिन होगा, अगर समाज नहीं जागा तो पूरा सिवान एक दिन कब्रस्तान और शमशान बन जाएगा। अच्छा, एक और सवाल, आरिफ जमाल के मर्डर के बाद क्या MIM पार्टी और मजबूत होगी सिवान में या पूरे सारण में? MIM पार्टी सिवान और सारण की धरती पे क्रांति का प्रतीक बनेगी, क्योंकि इनकलाब जब पैदा होता है तो खून से होता है। महलों के AC से कभी इनकलाब नहीं निकला है, इनकलाब निकला है तो खून से। और दुनिया का कोई भी इनकलाब अपने समर्थकों का खून मांगता है, और वो शुरुआत सिवान से हो चुका है। तो खाली मैंने मीडिया में बयानबाजी ये होगा कि आपके पार्टी के आते अख्तर उलीमान साहब पहले लोगों को पार्टी सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं, तो आप लोग कब आप रोड पे उतरे? अख्तर उलीमान साहब हमारे घर पे तो नहीं आए कि चलो भाई पार्टी ज्वाइन कर लो, या जितने भी लोग आज पार्टी ज्वाइन किए अख्तर उलीमान साहब किसी के पास तो गए नहीं कि आओ भाई हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। वो जज्बा पैदा हुआ कि लोगों ने MIM का दामन थामा, और सिवान में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, किसी का दामन क्यों नहीं थामा? वो सलाम है उन लोगों पे और वैसे माओं पे जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया कि देख रहा है वो
कि एक तरफ मर्डर हो रहा है जिस पार्टी के कार्यकर्ता का, और उस पार्टी का दामन थाम रहा है, यानी वो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं और जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। इससे पहले आप MIM में नहीं थे, लेकिन यूथ हैं, यंग हैं, एक्टिव रहते हैं जी, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। आप लोगों ने क्या किया? आरिफ जमाल इस दुनिया से चले गए, पॉलिटिकली वो एक्टिव थे, तो आप लोग क्या किए? भाई हम लोग तो कोई सत्ताधारी पार्टी के हैं नहीं, या हम लोगों के सत्ता, हम लोगों के अधीन कोई सत्ता आती नहीं है, ना MP है ना MLA हैं। इंसाफ की वकालत ही तो कर सकते हैं ना। जालिमों के सामने MIM का दामन थामा और उनकी इंसाफ की वकालत कर रहे हैं, इसके लिए जज्बा चाहिए और जिगर चाहिए। बहुत सारे लोग हैं MIM के लोग, MIM के नाम से लोग आज के दिन में थर्रा रहे हैं, लेकिन इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ये लोग उस वक्त MIM का दामन थामे जिस वक्त MIM का नाम सुन के लोग की फट जाती थी और सीना में गोली धंसा दिया जाता था, उस वक्त ये लोग MIM का दामन थामे। और ये श्रद्धांजलि है आरिफ जमाल को, क्योंकि उनके इंसाफ के लिए ही हम लोग MIM का दामन थामे हुए हैं। दूसरा कोई हम लोगों का ये नहीं, हम लोग का MLA बन जाएंगे सिवान से MIM का दामन थाम लेंगे तो, या MLC बन जाएंगे या MP बन जाएंगे, आरिफ जमाल के ही आवाज़ उठाएंगे, दूसरा कोई हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। जो से लड़ने के लिए आपको लगता है कि संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा? बिल्कुल, पूरे समाज को संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे समाज का कब्रिस्तान और शमशान बन जाएगी सिवान की धरती, और लोग देखते रह जाएंगे और एक एक करके सबको सब मारे जाएंगे। क्योंकि जालिम के जुल्म के खिलाफ जब आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो जालिम और अपने आप को ताकतवर समझेगा और सबका नंबर आएगा एक दिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई। तो बिल्कुल।